नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेज़न पार्ट 2 का हॉल। मैं काफी सारी चीजें इंक्लूड करने वाली हूँ एंड एक और मैंने डिकोर आइटम्स ज्यादा इंक्लूड नहीं करे हैं। मैंने डिकोर आइटम्स की भी काफी सारी शॉपिंग अमेज़न से कर रखी है। सो अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या सामान मैंने खरीदा हुआ है, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है वो है किचन का, बोल सकते हो ऑर्गेनाइजर काइंड ऑफ है, या एक तो वाइट है सब कुछ, तो पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजर है, बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजर है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर ऐसे दो स्लैब दिए हुए हैं और उसमें आप इसको इस तरह से ऊपर से ऐसे फिट कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी चीजें रख सकते हो, जैसे कि आपके मसालों के डब्बे, मतलब कम से कम 6 मसालों की जो मेरे पास छोटी कांच की जो बॉटल्स हैं वो यहाँ पर 6-7 आ जाती हैं आराम से। तो आप उस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजर बना सकते हो। या फिर मैंने इसको पर्पसली, किस पर्पस से लिया है, मैं यहाँ पर अपनी जो मेरी वाटर बॉटल्स हैं स्टील वाली, वो इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, तो वो मैं यहाँ पर जमा देती हूँ। और ये इस तरह का जो किचन टॉल रोल है वो मैं यहाँ पर इस तरह से लगा देती हूँ, और यहाँ पर जो कपड़ा हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं वो मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। बहुत अमेजिंग मल्टीपर्पज है, इवन जरूरी नहीं है किचन के लिए ही, आप अपने वार्डरोब में इसको फिट कर सकते हो, बिकॉज इसका साइज जो है ना, ये लगाने वाला जो साइज है ये बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे हैंगर्स में कुछ चीजें टांग सकते हो। ये आप जरूर मेरे रिकमेंडेशन पे जरूर लीजिएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप किसी ना किसी पर्पज पे तो उसको यूज कर ही लोगे। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। तो मैंने सेकेंड प्रोडक्ट मंगवाया है, वो मैंने मंगवाया है ये बैम्बू का प्लेटर। बहुत ही ज्यादा थिक क्वालिटी का है एंड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। तो मैं, मतलब ये प्लेटर्स इस तरह के होते हैं कि आप डायरेक्टली, आपको प्लेट्स यूज करने की जरूरत नहीं, आप इस पे भी सर्व करके, यू नो, पिज्जा वगैरह है, सैंडविचेस हैं, आप इस पे रख के खा सकते हो। तो आप देख सकते हो कितने साइज का है, साइज काफी अच्छा है, काफी हैवी होकर के भी हैवी नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, मतलब स्टर्डी है बट हैवी नहीं है, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। हाँ, और पीछे मैं क्या करती हूँ, उसमें चॉपिंग यूज कर लेती हूँ। तो मतलब पीछे के साइड से मैं चॉपिंग कर लेती हूँ और आगे के साइड में मैं जो सर्विंग वगैरह का काम है, सर्विंग मतलब कभी तो कोई आ नहीं रहा है बट हम लोग ही यूज करते हैं इसको। नाउ कमिंग टू माय थर्ड प्रोडक्ट, मेरे किचन में काफी सारी बार जो आपने स्पून टांगने वाला सेक्शन देखा होगा उसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी तरह का मैंने एक मेश बोर्ड मंगवाया हुआ है अमेजन पे। अमेजन पे अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, आपको जितने बड़े साइज का चाहिए आप उतने बड़े आपके के अकॉर्डिंग आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वैसा आप ले सकते हो। तो यूजुअली जो मैश बोर्ड है, मैंने इनका यूज सिर्फ एक ही पर्पज से देखा है, लोग जनरली अपने पिक्चर्स वगैरह इसमें हैंग करके डेकोरेट करते हैं, फेरी लाइट्स लगा देते हैं। मैंने लिटरली जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था, मैं पहला जो मेरे किचन में लगा हुआ है वो मैं मिस्टर DIY से लेकर के आई थी, और उसके साथ में मैं इस तरह के कंटेनर्स लेकर के आई थी। तो क्या करती थी मैं, ऐसे करके मैंने किचन में ये कंटेनर ऐसे लगा करके रखा हुआ है एंड यहाँ पर मैं अपना स्पून्स एंड नाइफ्स और छोटे मोटे जो चाय पत्ती हो गई, कॉफी का डब्बा हो गया, ऐसे मैंने 3 लगा के रखा हुआ है। बट क्योंकि अभी लॉकडाउन है, शॉप्स खुली नहीं है, मिस्टर DIY का कोई ऑनलाइन वो नहीं था, तो मैं अमेजन पे ढूंढ रही थी, थैंकफुली मुझे अमेजन पे मिल गया। बट इस तरह का जो कंटेनर है मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला, इससे ज्यादा अच्छा मिला है। तो ये मैंने लिया है अमेजन से बास्केट, और ये इससे ज्यादा बड़ी है, मतलब जितना बड़ा ये है उससे भी ज्यादा बड़ी साइज की, एंड काफी परफेक्ट है, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल मुझे वैसी ही मिली है। तो मैं किसी और पर्पस के लिए, वो आपको आगे फर्दर ब्लॉग्स में मेरे पता चलेगा कि मैं अभी दूसरा क्या काम कर रही हूँ। तो आप देखिए ये यहाँ पर ऐसे लग जाता है, अभी आप इस तरह से, मतलब ये तो मैंने काफी छोटा सा मैश लिया है, आप एक बड़ा मैश लेकर के अगर आप रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हैं, आप किचन में इतनी सारी चीजें कर सकते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तरह से आप पूरी एक शेल्फ बना सकते हैं अपने खुद के लिए, मतलब आप 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 1 यहाँ लगा दो, फिर 2, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके एक आप लंबी सी शेल्फ बना सकते हैं अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं। आपका खुद का भी करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, यू नो, अपना वो यूज करके। तो ये मैंने इसके, ये दोनों मैंने मंगवाया हुआ है, इसको मैं हालांकि स्प्रे वेंट करूंगी, तो लेट्स सी इसको मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये भी काफी अच्छे साइज में है, इसमें आ जाता है आराम से, और इस तरह से मैं इसको यूज करने वाली हूँ। तो ये मेरा है थर्ड प्रोडक्ट और ये मेरा है फोर्थ प्रोडक्ट, दोनों ही बहुत अमेजिंग क्वालिटी में आया है, कुछ भी मुड़ा तोड़ा नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये व्हाइट बोर्ड। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक व्हाइट बोर्ड है, मतलब ये चिपक जाता है आयरन की किसी भी चीज पर। तो मैंने ये फ्रिज पे लगाने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में कुछ होता है कि मुझे ये मंगवाना है लेकिन फिर मैं स्किप हो जाती हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने हमारा जो टाइम टेबल है खाने पीने का, उसको मेंटेन करने के लिए और क्या क्या सामान लाना है उसके लिए, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, प्लीज अवॉइड दिस।
तो यहाँ पर मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सब पूरा वो दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं। इसके साथ में आता है ये इस तरह के पेन आते हैं एंड ये डस्टर आता है, तो मैं एक इमेज डाल दूंगी जैसे मेरे फ्रिज पे लगा हुआ है। तो ये डस्टर भी जो है छोटा सा है, फ्रिज पे चिपक जाता है एंड इसके जो पेन है ये भी सारे फ्रिज पे स्टिक हो जाते हैं, तो उसकी स्टिकिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। इवन अगर आपके घर में आयरन की अलमीरा है या कुछ आयरन की ऐसी चीज है, आप अपने स्टडी टेबल के आसपास भी इसको लगा सकते हो, इट्स रियली गुड। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं उठा के नहीं ला सकती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी है, वो है ये जिम किट। मैं इसकी इमेज यहाँ पर डाल दूंगी। तो ये प्राइस वाइज के हिसाब से आई बहुत अच्छी कंडीशन में थी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, विक्की कंटिन्यूअसली यूजिंग इट, डे वन से वो यूज कर रहा है। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा सामान मिलता नहीं है यूजुअली जिम का, काफी अभी लॉकडाउन के बाद तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है जिम वाली जितनी भी चीजें हैं, बट यहाँ पर काफी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था, मतलब विक्की को मिल गया था, विक्की ने एक्चुअली परचेज किया था। तो 100% अगर आप लेना चाहते हैं आपके घर के लिए, होम जिम के लिए एंड आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके पापा, किसी के लिए भी आप लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत अच्छी क्वालिटी में आया था ये, टोटली रिकमेंडेड। नेक्स्ट जो टेबल है ये मैंने अपने एक व्लॉग में भी बताया था, बट काफी सारे ऐसे लोग भी ये वीडियो देखेंगे जो शायद जो व्लॉग्स देखना पसंद नहीं करते होंगे, जो सिर्फ हॉल देखते होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देती हूँ। ये मैंने शीशम का एक फोल्डिंग टेबल मंगवाया था जिसकी इमेज और छोटा सा क्लिपिंग यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी। बहुत अमेजिंग क्वालिटी में आया था, बिल्कुल फोल्डिंग है, छोटा सा है, आप कहीं पर भी उसको रख सकते हो। आप इसको अपना कॉफी टेबल, अगर आपके यहाँ बैल्कनी है आप उसके लिए यूज कर सकते हो, आप अपने सेंटर टेबल के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, बट आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। चाहते हैं ये वाला प्रोडक्ट भी मैं अपने शायद हॉल में शेयर कर चुकी हूँ, ये है स्टेनलेस स्टील का डस्टबिन। पिछले 15 डेज मुझे हो चुके हैं इसको यूज करते हुए, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, आई एम टोटली सैटिस्फाइड विद दिस डस्टबिन। क्वालिटी काफी अच्छी है, अगर आप भी प्लास्टिक के डस्टबिन से परेशान हो चुके हैं और आपकी डस्टबिन बार बार टूट जाती है, इस तरह की डस्टबिन परचेस कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्वालिटी काफी अच्छी है, हैवी मटेरियल है और इसके अंदर की जो बास्केट है वो भी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो अभी तक तो आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोडक्ट एज वेल। नाउ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये उन लोगों के लिए है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, आपको कुछ पोर्टेबल सा टेबल चाहिए जिसको अगर आपका ऑफिस चालू हो जाए तो आप फोल्ड करके रख दें, आपको पता भी ना चले कि आपके घर में कोई बड़ा सा हैवी सा चीज है, तो इस तरह का फोल्डिंग टेबल जो स्लीक भी हो और एडजस्टेबल हो आप परचेस कर सकते हैं। तो ये है फोल्डेबल टेबल जो मैंने परचेस किया था, लैपटॉप टेबल, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का है, बहुत लाइट वेट है। इसके जो नीचे के पॉट बोल सकते हो ये एडजस्टेबल है, आप इसको नीचे ऊपर कर सकते हो एंड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, आप इसको ओपन करके आराम से कहीं पे भी बेड बॉक्स में या साइड में कहीं पर भी अपने सोफे के नीचे रख सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है, हाईली रिकमेंडेड एज वेल और प्राइस वाइज बहुत अफोर्डेबल है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये पोट्रॉनिक्स का पोर्टेबल कुछ है यूएसबी कनेक्टर एंड ऑल, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से दिखता है, ये कॉर्ड लगाई जाती है एंड ये अब इसका काम क्या होता है, जैसे मेरे घर में क्या होता है की का फोन चार्ज हो रहा होता है, यू नो बहुत सारी चीजें चार्जिंग पे लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है जो हमारे बेड साइड टेबल पे जो वो लगा हुआ है सॉकेट उसमें खिचड़ी मच जाती है, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। फोन का चार्जर इसमें लगा दीजिए, सारे चार्जर्स यहाँ पे लगा दीजिए एंड इसको आप चार्ज पे लगा दीजिए एंड आराम से चार्ज होता रहता है, तो मतलब इट्स लाइक अ ऑर्गेनाइजर टाइप का मैं बोलूंगी। बट हाँ, इसमें पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, ये मैंने काफी पहले मंगवाया था, आई थिंक 3 months पहले मंगवाया था। मैं अभी जितना भी मैंने लॉकडाउन में सामान मंगवाया है वो सब कुछ ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको मत परचेज करिएगा। एंड दूसरी चीज, ये जितना भी अमेजन का हॉल आप देख रहे हैं ये कोई भी स्पॉन्सर्ड और कोई भी कोलैबोरेशन में नहीं है, ये सब कुछ मैंने खुद ही 3-4 महीने में जो भी शॉपिंग करा है, क्योंकि लॉकडाउन था हम बाहर जा नहीं पा रहे थे, मतलब सब कुछ ही ऑनलाइन आया है राइट, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। दैट्स इट। जो मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है एप्रिन, ये है किचन एप्रिन, काफी सस्ते थे ये, 200 rupees में मुझे 2 मिल गए थे। आप घर पे भी बना सकते हैं ऑब्वियसली, DIY कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया DIY, मुझे चाहिए थे ऐसे 2। रेड वाला विक्की पहनता है, इसमें लिखा हुआ है हैप्पी शेफ, काफी अच्छी क्वालिटी में है एंड हैंडमेड है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन, सस्ता भी है एंड काफी अच्छा भी है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो है वॉशिंग मशीन कवर। तो अगर आपकी वॉशिंग भी, जैसे मेरा घर छोटा है तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो बाथरूम में ही रखी रहती है, अभी क्योंकि शार वगैरह चलाते हैं तो वॉशिंग मशीन का कवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर प्रूफ कवर होना चाहिए। और थोड़े टाइम पहले ये कवर मंगवाया था एंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, पूरे अच्छे से इसने वॉशिंग मशीन को कवर कर दिया है और बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं जाता है, मतलब एकदम वाटर प्रूफ कवर है, उसकी जो भी फिटिंग विटिंग है वो एकदम परफेक्ट आई है। तो आप अपने वॉशिंग मशीन के
जो भी मॉडल है उसके अकॉर्डिंग इस तरह के कवर्स ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी ब्रांड के कवर्स मुझे काफी अच्छे लगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मंगवाया था लॉकडाउन में वो है ये ट्राइपॉड, जो कि अमेज़न बेसिक्स का ट्राइपॉड है। इसमें मेरा कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर मैं पिक्चर डाल दूंगी। तो मेरे जो पिछले दो ट्राइपॉड थे वो भी यही अमेज़न बेसिक्स के ही थे, ये अभी थर्ड वाला भी अमेज़न बेसिक्स का ही था। इस बार मुझे थोड़ा हाई एंड ट्राइपॉड परचेस करना था, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन देखा तो सारे ट्राइपॉड की जो रेंज है वो सब 5000 से ऊपर स्टार्ट हो रही थी। मैं अमेज़न बेसिक्स के ट्राइपॉड से ही काम चला रही हूँ, काफी अच्छा है। बट हाँ, एक टाइम के बाद ये टूट जाता है, मतलब अगर आप थोड़ा रफली यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो ये टूट जाता है। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये पॉप सॉकेट। ये जो आपको पॉप सॉकेट दिख रहा है बहुत ही क्यूट सा पॉप सॉकेट है ये। मुझे अपने फोन के लिए एक पॉप सॉकेट चाहिए था जो कि थोड़ा स्टर्डी हो, क्योंकि मैं इसी तरीके से हैंडल करती हूँ अपने फोन को। मतलब मेरी ये बहुत ही गंदी हैबिट है, मैं ऐसे नहीं पकड़ती हूँ फोन को, मैं हमेशा पॉप सॉकेट से ही हैंडल करती हूँ। तो आई वॉन्ट कि मेरा जो पॉप सॉकेट हो उसकी ग्रिप बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, मार्केट के पॉप सॉकेट से थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट आई मस्ट से कि इसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं अपने मोबाइल के लिए तो आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्यूट से प्रिंट्स अवेलेबल थे, बट मुझे वाइट चाहिए था और ऐसा कुछ चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। एंड दैट्स इट, काफी सारी चीजें मैंने बता दी है, 14 चीजें मैंने इंक्लूड करी हैं। तो आई होप आपको कुछ चीजें इसमें काम की लगी हूँ आपके घर के लिए। सारी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।